में खेले जा रहे दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया टीम ने एक बार फिर भारत के सामने 390 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया है। दरअसल कंगारू टीम के लिए एक बार फिर पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने शानदार शतक जमाते हुए ऑस्ट्रेलिया को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाने में उपयोगी योगदान दिया। स्मिथ के अलावा कप्तान एरन फिंच, डेविड वार्नर, मानस लबसाने और ग्लेन मैक्सवेल ने भी अपनी अपनी हाफ सेंचुरी जमाई। कंगारू टीम के लिए उसके टॉप 5 बल्लेबाजों ने 50 या इससे ज्यादा रन बनाए। एक बार फिर कप्तान एरन फिंच ने यहां टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। फिंच और स्मिथ के रूप दोनों बल्लेबाजी ओपनिंग बल्लेबाजी ने अपने पहले विकेट के लिए 142 रन जोड़कर मजबूत स्कोर का आधार रखा। इसके बाद कंगारू टीम ने इस लक्ष्य को खोया नहीं और मैच के अंत तक रन गति को वो बढ़ाते ही नजर आए। फिंच के आउट होने के बाद मैदान पर स्टीव स्मिथ आए। स्मिथ ने अपने पिछले ही मैच वाले अंदाज में अपनी बैटिंग को आगे बढ़ाया और उन्होंने एक बार फिर तेज तर्रार शतक अपने नाम किया। 64 बॉल की अपनी शतक के बारी में स्मिथ ने 14 चौके और 2 छक्के जमाए। वहीं हार्दिक पांड्या की गेंद पर शमी के हाथ वो कैच आउट हुए। उन्होंने तीसरे विकेट के लिए मार्सन लबुशाने के साथ मिलकर 156 रन जोड़े। लबुशाने ने भी इस मैच में 70 रनों की शानदार शतक के पारी खेली। वहीं दूसरी और एक बार फिर ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी तेज तर्रार पारी का अंदाज जारी रखा और अपनी इस पारी में उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों का ही सामना किया और 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 63 रन की शानदार पारी खेल डाली। भारत की ओर से मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने एक एक विकेट जरूर लिया, लेकिन वो सभी महंगे साबित हुए। इस मैच में रविंद्र जडेजा को छोड़कर बाकी सभी प्रमुख गेंदबाजों ने 60 से ज्यादा रन लुटाए। शमी ने 9 ओवर में 73 रन, बुमराह ने 10 ओवर में 89 रन, नवदीप सैनी ने 7 ओवर में 70, जबकि युजवेंद्र चहल ने 9 ओवर फेंक कर 71 रन लुटाए। इस मैच में भारतीय टीम ने अपने 5 ओवर हार्दिक पांड्या और मयंक अग्रवाल के जरिए पूरा किया। हार्दिक ने 4 ओवर में 24 रन खर्चे और 1 विकेट अपने नाम किया। खैर, अब देखना होगा कि टीम इंडिया इस बड़े लक्ष्य का कैसे पीछा कर पाती है। खैर, आपको क्या लगता है आज के मैच को लेकर, हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूले। LD न्यूज़ रूम रिपोर्ट।